अस्सलामुअलैकुम, डायरेक्टर मुबीन ज़ायरा हेयर, डायरेक्टर आफिया रिजवान हेयर। आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं एक नई मेकअप आर्टिस्ट और नए सैलून में नई मॉडल के साथ और नए मेकअप की लुक के साथ, लेकिन ब्रांड वही ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स है। अच्छा जी, हमारे साथ ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है समिया ओशा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा नाम है और समिया का सैलून जो है वो घर में ही है, तो इसीलिए हमने बाहर से लोकेशन नहीं दिखाई। अपार्टमेंट्स में रहती है ये और अपार्टमेंट्स में इनका जो सैलून है उसकी लोकेशन आप बताएंगे, एड्रेस अपना। गुलशन एक बार ब्लॉक चाहिए, ब्लॉक 5105। गार्निश ब्यूटी सैलून जी, बिल्कुल। और आज आपको यकीन है इनका भी काम बहुत पसंद आएगा। बहुत सारी खवातीन घर में रहते हुए ही अपने बच्चों के साथ इस तरह के सैलून बहुत अच्छे से रन कर रही होती है, बहुत अच्छा औसम काम होता है। और जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि हमने ऐसी ही खवातीन को हाईलाइट करना है जिनका काम बहुत औसम है लेकिन वो छुपा हुआ है, वो अपने एक महदूद दायरे और महदूद सर्कल में रह के ही वर्क कर रही होती है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है और वो भी ब्रांड को समझती है और ब्रांड को यूज़ करना जानती है और उससे कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो हमें मेकअप करके दिखा सकती है। तो हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आप लोगों को इंतज़ार नहीं करवाएंगे और अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी सब लोग लाइव आना स्टार्ट हो जाएं। और अगेन हम लोग ज़रूर ये कहेंगे कि अगर आप सब हमारे इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप सब मतलब वो तमाम एक्सपर्ट ब्यूटिशियंस जो हमारे कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना चाहती हैं वो हमसे रब्ता कर सकती हैं। इसके अलावा इस कॉम्पिटिशन के बाद हमारा जो क्लोज ग्रुप स्टार्ट होने वाला है जहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशियन कोर्स करवाने वाले हैं, आप उसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहती हैं तो फिर हमारे हमसे पर्सनली कॉल कर सकती हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं और डिटेल ले सकती हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 0331021928 और मेरा कांटेक्ट नंबर है 0321206765। जी बिल्कुल, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे क्लोज ग्रुप का हिस्सा बन के फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटिशियन कोर्स कर सकते हैं, वो भी ओनली वन ओरिफ्लेम ब्रांड से। चले जी, आज हम स्टार्ट लेते हैं स्टार्ट। और समिया ने अपने हथियार हाथ में ले लिए हैं माशाल्लाह से और वो बताएंगी कि वो सबसे पहले क्या लगा रही हैं। सबसे पहले मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्लोज कर दो। ये ओरिफ्लेम की कंसीलर है जो आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम यूज़ किया जा रहा है कंसीलर हमारा हाथ में। आज समिया कौन सी ब्राइट का लुक दे? वलीमा ब्राइट। ओके जी, वलीमा ब्राइट लुक आ रहा है। आज की मॉडल भी जो है वो हमारी फर्स्ट टाइम बहुत मुन्नी सी मॉडल और फर्स्ट टाइम ही ये मेकअप करवा रही है इंशाल्लाह ताला। आप कौन सा लुक देंगी आज इनको? वलीमा लुक, जबरदस्त वलीमा लुक देने में ज्यादा खुश रहते हैं। हाँ, सॉफ्ट मेकअप है। वलीमे में ब्राइड भी खुश होती है, खिली खिली होती है। हमारे पास अभी तक एक बारात लुक हुआ है लेकिन वो बहुत औसम माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक था वो फरहत अब्बास का। रेड खुद इतना अच्छा खिला हुआ और डार्क शेड होता है ना कि उसके साथ काम करते हुए हमें डार्क ही सब चीज़ें थोड़ी सी इन्हेंस करती हुई लेनी पड़ती है। अच्छा जी, अब क्या अप्लाई हो रहा है? जी जी का फाउंडेशन
नमाज पढ़ के सो गए क्योंकि रेस्ट करने के लिए आज गर्मी ज्यादा है, आज गर्मी ज्यादा है और आज थोड़ा लेट भी हो गए हम लोग, इसी वजह से यहाँ थोड़ी सेटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। कोई बात नहीं, अच्छे काम के थोड़ा कोई बात नहीं, कुछ लोग देख लेंगे अभी, कुछ लोग बाद में देखेंगे। ये तो हमारी माशाल्लाह हमारी व्यूअरशिप बहुत अच्छी जा रही है, लास्ट वीक जो भी हमारी तकरीबन 22,000 से ऊपर गई है माशाल्लाह, बिल्कुल हमारे पास 22,000 से ज़्यादा लोगों ने तक ये वीडियो पहुंची है, और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी बिल्कुल वीडियोस को देखा जा रहा है। खुशी होती है ना जब लोग मैसेज करते हैं कि मैं इस कंट्री से देख रही हूँ, ये वो है सीसी की थोड़ा सा देर अभी तक जितनी भी ब्यूटिशियन हमारे साथ आई है ना मेकअप आर्टिस्ट, सब ने पहली दफा ये बेस खाते ठीक है, आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, उसके बाद इसको लगा के भी छोड़ देंगे अगर आप। सीसी क्रीम जो है वो अप्लाई की जा रही है, हमारी बेस्ट है बहुत ज़्यादा सीसी क्रीम, काफ़ी अच्छा लुक देती है। मुझे इसका इस तरह से सीसी क्रीम का लुक बहुत अच्छा लगा कि इसके अंदर एक तो SPF 35 है, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद जितनी भी खवातीन जो 25 प्लस है 30 प्लस है जब वो इसको इस्तेमाल करती है तो फेस के ऊपर जितनी भी लाइंस हैं, एजिंग लाइंस हैं, ओपन पोर्स बहुत अच्छा, ओपन पोर्स हैं आपके जो ब्लेमिश हैं अगर फेस के ऊपर तो इनको बहुत अच्छे से कवर कर रही है, बहुत अच्छी कवरेज है और वाइटनिंग दे रही है, तो ऊपर ले जा रही है आपको, वाइटनिंग दे रही है और बहुत ही लाइट आपका फेस का जो है ना वो लाइट सा टेक्सचर आता है, ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत हैवी कुछ अप्लाई किया हुआ, बहुत नेचुरल लुक आ रहा होता है। और सबसे बड़ी बात कि UVA, हाँ UVA और UVB फिल्टर इसके अंदर मौजूद है, तो आप घर में भी हो तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, घर से बाहर भी जा सकते हैं। UVA रेज और बी रेज के बारे में थोड़ा सा बताएं, वैसे तो हमने ये सारी सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करनी है जब हम अकेले अकेले बैठा करेंगे स्टूडियो में जाके, तो क्योंकि कुछ लोग देख रहे हैं और वो हो सकता है जब ना देख रहे हो तो छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन हम देते जाते हैं साथ साथ। बिल्कुल सन रेज जो होती है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही होती है, और ख़ासतौर पे हमारा अपना कलर कॉम्प्लेक्शन पर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन फेयर की तरफ होता है इतना ज़्यादा हमें SPF की नीड होती है, और इसलिए क्योंकि हमारी जो स्किन है वो सन रेज की UVA और UVB रेज की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, यहाँ तक कि बहुत ख़तरनाक किस्म की स्किन कैंसर हो जाता है। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, अब फिर भी कुछ लोग करना शुरू हो गए हैं, सन ब्लॉक मस्ट अप्लाई क्या करें, चाहे आप घर में हो तो भी UVB रेज आपके घर में मौजूद होती है, ओजोन हमारा जो सुराख बहुत ज़्यादा बड़ा जी हाँ, ओजोन की लेयर में होल बहुत बड़ा हो गया, तो UVC रेज भी अब हम तक पहुँचना स्टार्ट हो गई है, जो रेज ओजोन की लेयर रोक लेती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो घर में भी अगर आप रहे तो ज़रूर सनब्लॉक इस्तेमाल किया करें, बीवेंट क्रीम की सूरत में या सीसी क्रीम की सूरत में, या कोई अच्छा सनब्लॉक, जैसे हमारे पास अभी नोवेज का बहुत ज़बरदस्त सनब्लॉक आया है, बहुत औसम है इसके रिजल्ट। अच्छा, मैंने स्टार्ट में इसको देखा था तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा सा ऑयली देगा, या फिर मैंने डिस्कस भी किया था तो मुझे किसी ने ऑर्डर दिया था, तो मैंने उसको उसने मुझसे पूछा ऑयली तो नहीं है, मैंने उसको बोला अगर मुझे परमिशन दो तो मैं उसको चेक करके तो मैं दूंगी, तो मैंने एक हफ्ते तक अपने पास रखा था वो वाला सनजोन हमारा SPF 50 वाला, और मैंने उसको पर्सनली खुद यूज़ किया और मैंने उसको 10 out of 10 दिए थे, बिल्कुल भी ऑयली दिया था, बल्कि मेरे कलर को एनहेंस किया था उसने, अच्छा मेरे दानों के थोड़े थोड़े ऐसे धब्बे से भी ज़्यादा उसमें उनको भी लगे थे। और पता है सनजोन लगाने का भी थोड़ा सा एक तरीक़ेकार होता है, हमारा सनजोन डिफरेंट तरीके से लगता है, एक तो क्वान्टिटी बहुत कम रखनी है आपने, दूसरा घर से बाहर जाने से कम कोई भी 30 मिनट्स पहले आपने इसको फेस पे अप्लाई करना है, वो खवातीन जो जॉब करती हैं उसके बाद मेकअप करना चाहती हैं तो वो अगर सिर्फ सनजोन इस्तेमाल करने के बाद फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर रही है और उसमें सनब्लॉक ऐड नहीं है तो फिर वो हल्का सा टिशू से वाइप कर सकती हैं अपने फेस को अगर उनको लग रहा है कि एक्स्ट्रा कुछ फील हो रहा है, लेकिन अगर क्वांटिटी कम रखेंगे तो बिल्कुल भी ऑयली या चिपचिपाहट फील नहीं होगी, चिकनाहट फील नहीं होगी, और उसके बाद आप अपना पूरा मेकअप वेयर कर सकते हैं आराम से। और जेंट्स हजरात जो है
बोस जस्ट सनब्लॉक ही इस्तेमाल करें, मेकअप तो वो लोग करेंगे नहीं है। सबसे आगे अच्छा जी बेस कंप्लीट हो गई है, फेस पाउडर अप्लाई प्राइमरी बेस तो हो गई सेकेंड प्राइमरी बेस कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जबरदस्त ये नई चीज आई है, नई चीज है। और जब हम लोग सीख रहे होते हैं कोर्स वगैरह कर रहे होते हैं तो ये उन लोगों को बहुत अच्छे से ये लव्स याद होते हैं, मतलब प्राइमरी और अब सेकेंडरी होगी, मतलब वो फाइनल बेस होगी जबरदस्त। चलिए आप आई मेकअप करके वापस वो बेस बेस पर आएंगे, बेस कंप्लीट है। अगर आगे पीछे बिल्कुल टाइम लेगी स्टे करने में, जब तक अपना सेकंड काम करे। समय आपको घर में कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती पार्लर में? ऐसा तो कोई नहीं होती, मगर ये कभी कभी बच्चे स्पेशली छोटी वाली बेटी बहुत डिस्टर्ब करती है, काफी छोटी भी है ना अभी, कर रही है मुसलसल। अरे वो तो बच्चों का है, आप यहाँ रख सकती हैं छोटी छोटी सब दीवन की आई पैलेट दिखा दें। ये दीवन की आई पैलेट यूज हो रही है, कौन सा शेड यूज कर रही है? बेस बना रही है बेस के लिए, इसका ये सब गोल्डन कलर यूज है, आई को थोड़ा सा बेस दे रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम फरहत अब्बास, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फरहत, कैसी हैं आप? फरहत माशाल्लाह सारे फर लाइव सेशन देख रही है माशाल्लाह से माशाल्लाह से। और एक और भी है जिन्होंने बोला कि मैं आपके तमाम लाइव सेशन देखी हूँ। और मेरे पास यूट्यूब से अस्सलाम वालेकुम आयशा बानो, हमारे साथ आयशा बानो ज्वाइन है। वालेकुम अस्सलाम आयशा। अच्छा एनी फराज ने पूछा है कौन सा मेकअप हो रहा है, ये ओरिफ्लेम ब्रांड से इस वक्त ब्राइडल मेकअप लुक दिया जा रहा है, वलीमा ब्राइडल लुक। बिल्कुल और ये हमारा ब्राइडल कंपटीशन है, मेकअप कंपटीशन जिस जो ओरिफ्लेम ब्रांड से हमने चैलेंज किया हुआ है तमाम ब्यूटिशियंस को, और वो बहुत अच्छे से लोग उसको ओन कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम किरण, कैसी हैं आप? किरण आ गई अब किरण का क्वेश्चन शुरू हो गया, किरण का इंतजार तो शायद अब लोगों को भी रहने लगा। मुसरत बोल रही हैं कि मैंने भी सीसी क्रीम की मैं यूजर हूँ और मुझे उसका रिजल्ट बहुत पसंद है। जबरदस्त, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी तमाम वीडियो देखी, थैंक यू सो मच तैयबा। अच्छे से आई बेस जो है वो तैयार हो गई है, और आई बेस बनाने का मतलब होता है इसके बाद जो भी कलर अपनाया हो वो अच्छे तरीके से इन्हेंस हो। कौन सा शेड लगा रहे हैं दिखा दें, हमारा बहुत हमारा खोया हुआ शेड वापस आ गया है, और बहुत गम था राफिया को कि ये मिल नहीं रहा, मेरे बच्चों ने कल मुझे तलाश कर दिया, मेरे बैग में से पुराने बैग में से हिला है और बच्चों को डांटे पिटी थी कहाँ कर दिया। बहुत हसीन बहुत खूबसूरत शेड गोल्डन और सेल में आया था, और कोई बहुत ही जबरदस्त सेल प्लान के शेड्स हमेशा उठाने चाहिए, ये बहुत अच्छे पिगमेंट होते हैं, शेड्स बहुत प्यारे प्यारे होते हैं।
पूछेंगे। किरण ने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। जी बिल्कुल किरण पूछ सकती हैं आप क्वेश्चंस। और आप कोई और बने ना बने आप सही वाली मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगी कॉम्पिटिशन के लास्ट होते होते तक। वालेकुम अस्सलाम नाज रहमान। ब्लैक शेड से अब काम हो रहा है कॉर्नर पर। ये बॉटल ग्रीन वेलवेट में है कि यहाँ पे उसमें प्राइस है। अच्छा अभी तक हम जितने भी सैलून गए हैं वो चाहे वहाँ फेमस हो या वो घर में है जैसे आज इनका भी और अच्छा जितना भी जितने भी घर में भी हैं जो सैलून लेकिन माशाल्लाह टेक्निक्स पूरी समान बिल्कुल मतलब एक्सपर्ट हैं अपने काम में। ऐसा नहीं है कि बस आई शीट जहाँ दिल चाहे लगा दो जैसे दिल चाहे शुरू कर दो। सब लोग उसी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं जो मेकअप की बाकी टेक्निक्स हैं आई मेकअप की जो टेक्निक्स हैं सब उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है। जो दिल चाहे कहीं भी लगा लो कैसे भी शुरू कर लो कैसे भी स्टार्ट कर लो। नहीं ऐसा नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह से कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो एक्सपर्ट हैं बिल्कुल। तो जितने भी लोग उनके नियर लिस्ट रहते हैं और जो भी यहाँ देख रहे हैं लाइव और उनसे मेकअप करवाना चाहते हैं तो वो आँखें बंद करके देख सकते हैं। आप इसको टैप करेंगे ना उसके बाद तो फिर ये डार्क ग्रीन शो वाला थोड़ा सा ले लीजिए और मिक्स कर लीजिए। किरण पूछ रही है मेकअप करने से पहले स्किन को क्लींस करना चाहिए पहला सवाल जी बिल्कुल किरण मेकअप करने से पहले स्किन को ज़रूर क्लींस करना चाहिए। अगर आप पहले क्लींस नहीं करेंगे तो आपका मेकअप जो है वो स्टे नहीं करेगा अनइवन रहेगा पैची रहेगा और बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा बेस में ग्लो नहीं आएगा। जितना ज़्यादा आप स्किन का ख्याल रखेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपका मेकअप इन्हेंस करेगा। लोग समझते हैं आपका कि अरे क्या ज़रूरत है पार्लर सैलून से मेकअप तो करवाना है हमें अच्छे लग ही जाएंगे लेकिन अगर आपकी स्किन को क्लियर बिल्कुल अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा डर्ट स्किन है आपकी स्किन नीट एंड क्लीन नहीं हुई भी उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं और उनके ओपन पोर्स हैं और उनके अंदर बहुत डर्ट अंदर अंदर तक जमा फंसा हुआ है तो फिर वो मेकअप भी अच्छा लुक नहीं देगा और फिर आप उस मेकअप आर्टिस्ट को या उस सैलून को बिल्कुल ऐसा है तो क्लींस बिल्कुल करना चाहिए बहुत जरूरी है। क्लींस तो वैसे भी डेली आपको अपनी स्किन को क्लींस करना चाहिए। Thank you.
वालेकुम अस्सलाम दरक्षा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम दरक्षा। हाँ जी, आज हम लेट हो गए। हाँ बिल्कुल, आज हम लेट हो गए और उसकी बहुत बड़ा कारण है जिस कारण हम लोग लेट हुए हैं, और वो कारण हम बता भी नहीं सकते तो आप समझ जाए कि बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से हम लोग लेट हुए हैं, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए वाली चीज है। और आप लोग यकीनन इंतजार कर करके शायद बोर हो गए होंगे। जी हीरा लेट हो गए, बस बस बस। जी किरण, आप बिल्कुल पूछ सकती हैं, एक नहीं या 10 क्वेश्चन पूछ सकती हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देने ही मौजूद हैं, ताकि आप लोगों की जितनी भी कंफ्यूजन्स हैं मेकअप से रिलेटेड, ओरिफ्लेम ब्रांड से रिलेटेड, वो भी क्लियर होती रहे और आप लोग अच्छे से अपना मेकअप कर सकें। आज मेरा ब्राइडल वलीमा ब्राइड मेकअप हो रहा है। अच्छा, जिनको ज्यादा पसीना आता है वो पूछा जा रहा है सवाल हमसे कि उनको कौन सी बेस देनी चाहिए, तो मैं बोलती हूँ कि उनकी डेड स्किन और उनके पोर्स बहुत क्लोज है, उनको क्लिंजिंग की बहुत जरूरत है, वीकली क्लिंजिंग। और पसीना देखिए एक नेचुरल चीज है, ऑयल और पसीना, सेबम और पसीना दोनों अलग अलग चीजें होती है। सेबम बिल्कुल अलग चीज है और पसीना बिल्कुल अलग। पसीना एक नेचुरल चीज है, वो आता ही है स्किन पर, लेकिन अगर आप क्लिंज करना शुरू करेंगे, टोनर का इस्तेमाल रखेंगे फेस पर, तो फिर आपका ये पसीने वाला प्रॉब्लम भी कंट्रोल होगा सेबम के साथ साथ। किरण मेरा फेस पूरा नजर आएगा, अभी आप सिर्फ और सिर्फ मेकअप को फोकस कर लें, आप इनका फेस देख लें कि ये कैसा मेकअप हो रहा है जबरदस्त। समिया आपकी बेटी जो है वो कुछ मांग रही है, आप चाहें तो उनको देकर आ सकती है, कोई इशू नहीं है, ताकि आप रिलैक्स रहो, हम तब तक दूसरी चीजें शेयर कर देंगे। आप जा सकती है, थोड़ा सा वापस से दूर जाए। अच्छा जी, क्योंकि हम घर में हैं और माशाल्लाह समिया की 4 बेटियां हैं और जो सबसे छोटी बेटी है वो भूखी है और उसको भूख लग रही है, तो हमने उसको जुल्म नहीं करना। असल में मेरे ख्याल से वो भूखी नहीं है, वो इस वक्त जो है ना माँ को अपने अपने अटेंशन चाहती है। हाँ, तो वो और बच्चों को मैं समझती हूँ कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, पहले उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो फिर वो आपको स्कूल से काम कर देते हैं, वरना तो समिया खुद भी परेशान ही रहेगी, वो बार बार नीचे से उनको हिला दी और हम बहला चुके हैं, और मैंने कहा लाए में बना चेहरा तो किचन में भी लेकर गई उसको, लाए में बना देती हूँ, लेकिन दिखा रहे आपको दिखा दूँ, ये है वो फातिमा जिनको भूख लगी है बहुत जबरदस्त, और इनको मैं किचन में लेके आई। फातिमा मैं आपको लेके हाय करे सबको, अब बोले अब मैं काम करने दूंगी, चाय अब आपकी। बस 5 मिनट की बात होती है और बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बस बच्चों को भी उन्हीं की तरीके से बिहेव करना होता है। अच्छा जी, समिया वापस आ चुकी हैं। दरवाजा,
हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से भी सीख कर जाएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें या प्रोडक्ट की जो हमारी खास चीज़ें हैं वो समिया भी आज एक्सपीरियंस कर लेंगी बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ताला। चले जी सॉफ्ट बहुत सॉफ्ट आई मेकअप हुआ है बहुत लैशेस से पहले इस वक्त मस्कारा अप्लाई हो रहा है ताकि लैशेस उसके अंदर सेटल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सना कैसी हैं आप? लुकिंग फ्रेश स्वीटीज बोथ ऑफ यू। सना ने हमें कमेंट भेजा है, थैंक यू सो मच सना। हम रात को सोचते रोजाना कल हम कौन सा कलर पहनेंगे तो दो कलर डिसाइड हुए थे, उसमें से एक हमने येलो सेलेक्ट और हमने सोचा आज हम येलो पहनते, गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर तो येलो थोड़ा ठंडक देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे ज्यादा क्लोज करूंगी ना मैं सबा तो ये ब्लर हो जाएगा। लाइशेस अप्लाई हो रही है इसमें, इट्स नॉट पीच, ये हमारा येलो कलर है। आज हमारी थीम येलो थी। हाँ सर, कैमरे यहाँ पे देख रही है। अच्छा, बिल्कुल आज हम येलो येलो वो येलो भी कौन से काटने होते हैं, ट्विटी ना, ट्विटी हाँ वो हम बनने की कोशिश, कोई पू है और कोई ट्विटी। आपको भी अभी ब्लैक स्टाफ पहना दूंगी मैं और फिर आप भी ब्यूटी की जगह फूल लगेंगी। मीरा भी इस वक्त ऑनलाइन है और बोल रही है बेस्ट ऑफ लक समिया। आईलैशेस लग चुकी हैं बहुत तेजी से, मेकअप हो रहा है माशाल्लाह से, टाइम बहुत कम यूज हो रहा है। हमारे किवाड़ी से सना ज्वाइन है, वो कह रही है मेक मॉडल बहुत क्यूट है। अपने फंगल को खाने
पास मार्कर लाइनर भी है, जेल लाइनर भी है, काजल पेंसिल भी है, आप जिससे भी चाहे लाइनर लगा सकते हैं। मार्कर लाइनर यूज हो रहा है हमारा तकरीबन सभी मेकअप आर्टिस्ट ने यूज किया है हमारा मार्कर लाइनर आजकल साउंड। हाँ पूछ रही है कि इतना लेट क्यों हुई है आज, ये राज है हम नहीं बता सकते, बहुत बड़ा कारण था इसका और वो कारण हम लाइव शो नहीं कर सकते। क्यों क्या आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आज हम लोग पिकनिक पे आए हैं, बच्चे हैं साथ हमारे, इसीलिए देखें कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। नाउ चलिए हम सब लोग ये बच्चों के साथ मैं खेल भी रही हूँ क्योंकि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं और मैं इनकी भी सुन रही हूँ जा जा के पीछे, और ये लोग सब मुझसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ आपके क्वेश्चन हो पीछे इन लोगों के क्वेश्चन हैं, तो आपको मैं आपसे ही कह रही हूँ मुझे कुछ फीलिंग आ रही है पिक्चर वाली। जी सना वलीमा ब्राइट है, अभी तो
मेरे पास से टैप करने वो अच्छे से ब्लर हो जाता है। ये यूज़ कर रही है दवन का पिंक न्यूड, ऊपर से अब फाउंडेशन की अपनी वापस से वो फिनिशिंग देने आई है। मैं दिखा देती हूँ, मैंने प्राइमरी बेस बना था और अब सेकेंडरी बेस बन रहा है, ऐसा ही ना समझो। और वैसे ये भी अच्छा रहता है कि आप पहले बेस को हाफ डन कर लें, उसके बाद आई मेकअप कंप्लीट करके फिर आप बाकी का बेस कंप्लीट करें, तो बेस को नीट एंड क्लीन रहता है। आपका पेट भर गया, अब सुकून है। शाबाश, गुड गर्ल। होम लेकर आ गए यहां पर, चलने की नहीं। बच्चों को, बच्चे भी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हां नहीं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं ना नए लोगों को देखकर। वैसे ज़हरा जो घर में सबसे छोटे होते हैं ना, वो चाहते हैं कि जो भी घर में आया ना वो उससे बातें करता है। बस लाइट में यूज करो, ये और है मैंने दवन का पीछे रखा है। भाई बहुत वाइट में नहीं है, सारी जो बेस प्रोडक्ट है वो टैप टैप करके ही लगाई जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि टैप करने में रिजल्ट्स अच्छा आता है, स्किन के अंदर जज्ब हो जाती है, जितने भी फाउंडेशन है बेस पाउडर है, तो फिर वो जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता रहता है स्किन के अंदर बेस जो है वो और ज़्यादा ऑब्जर्व होती है, जज्ब होती है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो रिजल्ट दे रही होती है। और अभी तक यही ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो फौरी तौर पे फाउंडेशन को हाथ में लेते ही उन्हें आइडिया हो जाता है कि हमने इसको टैप टैप करके लगाना है, क्योंकि अगर हम इसको रब करेंगे तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ जो है वो फैल जाएगी बजाय इसके कि वो स्टे करे। फिनाली ब्राइट बहुत सीरियस है, बिल्कुल उसको सीरियस रहना पड़ेगा, अगर वो ही हा हा हू हू करेगी तो फिर मेकअप अच्छा नहीं होगा। ब्राइट को सीरियस ही रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। और जब माँ मेकअप करती है ना तो आपको ऐसे करना पड़ता है जी, बिल्कुल पता होता है, वरना अम्मा ने ब्लिंक एक लगा देंगे। क्या नाम है आपका? नाम हाय शिवा। अच्छा समिया ने ना ज़हरा एक और चीज़ बहुत अच्छे से यूज़ की थी, वो मैं बताना भूल गई थी, हमारी अभी तक किसी ने यूज़ नहीं की थी, पेंसिल्स, फोर पेंसिल्स ग्रीन वाली, ये वाली, ये जो हमारी टू इन वन डिस्काउंटेड पेंसिल है, इन्होंने आईज के नीचे यूज़ करी थी, ये देखते हैं आँखों के नीचे इन्होंने यूज़। अच्छा हर एक को ये क्यों लगता है ब्राइट को प्यास लगती है? पता नहीं ऐसा बोल रहा है। अच्छा बस बात तो हट जाएगी। अच्छा
अफशा ऑनलाइन है समिया, और उन्होंने देखते ही बोला ओहो हाय अफशा जी जी अफशा आज समिया आई है नाजिया बोल रही है ग्रेट वर्क समिया हाय वालेकुम अस्सलाम अफशा हाय अच्छी बात करना भी सत्कार जारिया है, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना बोले। अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है हम लोग। तहमीना बोल रही है ये बोल रही है आईज पे गोल्डन ग्लिटर यूज करे तो ज्यादा अच्छा लुक आ सकता है, तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि गोल्डन लुक ही आया है पर ओरिफ्लेम में, क्योंकि ग्लिटर नहीं है, चमक धमक नहीं है, बहुत सॉफ्ट मेकअप है वो ही हम करा। कैमरे में बहुत चीज़ें दिखती नहीं हम लोग, गोल्डन शेड यूज हुआ है, पिक्चर शेयर करेंगे तो और भी अच्छे से नज़र आएगा बिल्कुल, और ब्लैक और गोल्डन के साथ ही वर्क हो रहा है इंशाल्लाह ताला। जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर ग्लिटर का ट्रेंड है, इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्लिटर भी आ जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह, जैसे ग्लिटर हमारे पास शिमरी हमारे पास आ चुके हैं ब्लशेस वगैरह। बात करने की अपने आप को अपने पेट का ही कंट्रोल नहीं होता, रोज़ा नहीं होता, बल्कि अपने नफ्स का भी रोज़ा होता है। हम जितना ज़्यादा अच्छी चीज़ पहुंचा सकते हैं, अच्छी बात कर सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, तहम्मुल कर सकते हैं, हमारी किसी भी बात से किसी को की दिल आज़ारी ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे हैंड से ना जाए कि किसी को ऐसा फील हो कि वाकई ये चीज़ गलत हो रही है या उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो रमज़ान में हमें इस चीज़ की भी कोशिश करनी चाहिए। रोज़े का मतलब सिर्फ फाका रखना ही नहीं होता कि भूखे हम सारा दिन रहे, भूख प्यास हमने बर्दाश्त की और हमने उसको कंट्रोल किया। रोज़े का असल मकसद है अपने नफ्स को कंट्रोल करना, जितना ज़्यादा हम अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे उतना ही ज़्यादा इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे रोज़े को भी कबूल करेगा। और ये प्रैक्टिस अगर हम इस पूरे रमज़ान में कर लेते हैं 30 दिनों तक, तो फिर आने वाले बाकी 11 महीनों में भी इंशाल्लाह ताला हम उसको बहुत हद तक कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। और फिर जितनी भी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है वो लोगों के इसी तरह के रवैयों से ही फैल रही है। बिल्कुल हम रोड पर देखते हैं, महल्ले में देखते हैं, गलियों में देखते हैं कि बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हर बंदा कहता है कि मैं तो इससे बड़ा हूँ, मैं इसका कोई भी एक जुमला क्यों सुनूँ, मुझे इससे ज़्यादा मालूम है, मैं 10 ऐसी बातें बोल दूँगा या बोल दूँगी जिससे कि ये खामोश हो जाएगा, एक मिनट में मैं इसको खामोश करवा सकती हूँ। उसको खामोश करना और करवाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन खामोश रहना बहुत मुश्किल काम होता है। और वही वाली बात कि अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो फिर बुरा भी ना बोले, खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। और जिस चीज़ का जो मकसद है वो मकसद उस जगह तक पहुँच सके, बजाय इसके कि उसका गलत इम्पैक्ट पड़े, और अच्छी चीज़ भी जो है वो बुरे अंदाज में या बुरे जुमलों की वजह से गलत लोगों तक पहुँच रही है। तो रमज़ान में हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।
हमने लाइव मेकअप कंपटीशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है रमजान के स्टार्ट से माशाल्लाह से, और इसके अंदर तकरीबन अब तक हमारे पास चार मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, अपना मेकअप दिखा चुकी हैं, और आज हम अपनी फिफ्थ कैंडिडेट के साथ हैं और ये अपना मेकओवर करके दिखा रही हैं। हमारे पास जैसे ही हमारी तमाम मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ मज़ीद मेकअप आर्टिस्ट को लेकर आएंगे, तो फिर हम अनाउंस करेंगे कि कौन विनर है, और विनर की अनाउंसमेंट आप लोगों की ही पार्टिसिपेशन से हो सकती है, जितना ज़्यादा आप उस ब्राइड को लाइक करेंगे जो सबसे ज़्यादा अच्छा मेकअप आपको लगेगा और जिसने सबसे ज़्यादा अच्छी तकनीक यूज़ की हुई होंगी, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हमारे पेज पे तमाम मेकअप्स की वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं ताकि वो आपकी पसंदीदा ब्राइड जो है वो ज़्यादा वोट्स के साथ कामयाब हो सके। और हमारा जो मेन मकसद है इस पूरे कॉम्पिटिशन को करने का वो मकसद है ओरिफ्लेम ब्रांड को प्रमोट करना, ताकि लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि ओरिफ्लेम मेकअप जो है वो बहुत कम है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, उससे मेकअप नहीं हो सकता, उससे जो डेली बेसिस का मेकअप कर सकते हैं उससे ब्राइड नहीं बन सकती, और हमारे पास डिफरेंट तरह का जो मेकअप है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा होता है, आखिर उसकी एप्लीकेशन क्या है, कि वो तमाम चीज़ें जिनको हम क्लियर करने के लिए हमने इस कॉम्पिटिशन का आगाज़ किया था। ये बहुत मुश्किल काम था जो हमने स्टार्ट किया, मैंने और मेरी डायरेक्टर राम्या रिजवान ने, और हमने सोचा कि बस करना है, कोई बात नहीं, हमें बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और बहुत सारी नेगेटिव कमेंट का हमने सामना करना पड़ेगा, और हमने किया, लेकिन उससे ज्यादा लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने जो हमें पॉजिटिव कमेंट दिए, जो हमारे इंशाल्लाह अपने पेज पे शेयर करेंगे, वो सारी शॉर्ट स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, और फिर आ गई ये बोलने के लिए जितने लोग लाइव हैं सब लोग अपनी अपनी टाइमलाइन में इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको वॉच कर सके और इन ब्रांड को देख सके, ज्यादा से ज्यादा वॉच कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीख सके, और एक ऐसी ब्रांड यूज करना स्टार्ट हो जाए जो नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड प्रोडक्ट है, जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, जिसको अप्लाई करके आपकी स्किन खराब नहीं होती है, एक मिनरल मेकअप है जो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर मिलता है, इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ क्या पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि आप इनकम भी अर्न कर सकते हैं, और वो इनकम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं उसके लिए हमारे सेल नंबर और इसके साथ साथ हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर शो होते रहते हैं, आप हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप अच्छी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0335021920, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल जान सकते हैं कि आप कैसे और अपने बिजनेस का आगाज कर सकते हैं और घर बैठे किस तरीके से सीख सकते हैं सेल्फ ग्रूमिंग भी और प्रोफेशनल ग्रूमिंग भी। आपका मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321206765, और क्लोज ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें थ्रू इनबॉक्स भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्लोज ग्रुप के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूँ कि इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद अपना क्लोज ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं, वो तमाम लोग जो हमारे नेटवर्क का हिस्सा हैं और आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ सिटी है, वो तमाम लोग जो है वो क्लोज ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और वो भी तमाम खवातीन जो घर से नहीं निकल सकती या नहीं निकलना चाहती हैं, उनके टाइम किस तरह के नहीं उसको मैनेज कर पाती, वो लोग भी क्लोज ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, और जो लोग मास्टर मेंबर नहीं है वो हमारी डाउनलाइन का हिस्सा बन के हमारे साथ रजिस्टर्ड होकर हमारे क्लोज ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और वहाँ सीख सकते हैं एक तो फ्री ब्यूटीशियन कोर्स, उसके साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग एंड प्रोफेशनल ग्रूमिंग, बिजनेस किस तरीके से रन करना है, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे उसको आगे लेके चलना है फन के साथ, क्योंकि ओरिफ्लेम में जो अपॉर्चुनिटी है लुक ग्रेट मेक फनी है फन, उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो फन है, अगर किसी भी काम में फन नहीं होता, इंजॉयमेंट नहीं होती, वहाँ पर हमारे लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हम बोर हो जाते हैं, सेटअप हो जाते हैं, हम अनडिसाइड हो जाते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि उसको छोड़ दें लेकिन हम छोड़ भी नहीं पा रहे होते, लेकिन ओरिफ्लेम में ऐसा नहीं होता,
यहाँ हम अपने बिजनेस के खुद ऑनर होते हैं और हम जिस तरह दिल चाहे इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो करते हुए जो ऑली क्लेम ने हमें सिस्टम दिया। अगर हम सिस्टम के थ्रू चलते हैं तो फिर हम बहुत आसानी से स्मूथली इस बिजनेस में कर हैं। हमारे साथ जो सनत खान मौजूद है, ज्वाइन है, उन्होंने एक टेक्निक इनकी नोट करी जो कि हमने बताई थी कि बड़ी अच्छी टेक्निक से स्टार्ट किया है। मतलब सना ने थोड़ा लेट हमें ज्वाइन किया था, उन्होंने की टेक्निक मुझे डिफरेंट लगी। इन्होंने हाफ फेस करके छोड़ा, हाई मेकअप किया, देन ये कम्प्लीट फेस पर आई और अभी कंट्रोलिंग कर रही है। जी बिल्कुल ज़बरदस्त इनका ये। जी बिल्कुल किरण, कैमरे में हम थोड़ा सा और डार्क दिखाने को अच्छा है, और वैसे बहुत ओवरऑल आपने सही किया। क्या बोल रही है समिया का ये फर्स्ट टाइम है। हाँ, थोड़ा सा क्लोज कर दे। समिया का फर्स्ट टाइम देखे वो कैमरे के रिजल्ट देख रही है बार बार, तो नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे इतना डार्क लग रही है, वहाँ इतनी लाइट लग रही है। तो वो समिया परेशान ना हो, जब हम पिक्चर्स डालेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नजर आ रही है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमें मालूम है कि बिल्कुल आपका फर्स्ट टाइम है। हाँ जी, लिपस्टिक की तलाश जा रही है कि लिपस्टिक के शेड्स निकाले जा रहे हैं इस वक्त, और लोगों को लग रहा है कैमरा बंद हो गया। शहर हम में से कोई भी नहीं, शहर कौन है? शहर को कोई ढूंढ रहा है। कुछ लोग ब्रश से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, कुछ लोग फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा मेकअप में ज़्यादातर जो है वो फिंगर ही यूज़ हो रही होती है, और मैं फिंगर से ही ब्लेंडिंग कर रही होती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेकअप आपकी मर्जी, आप ब्रश से ब्लेंड करें या फिंगर से ब्लेंड करें, अच्छा आना चाहिए। आई मेकअप आपका एनहेंस करना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक। और हमारी जो ब्यूटीशियन है वो ब्रश ही यूज कर रही थी, हमने उनको टिप्स दी कि आप सर्च कर लें। बिल्कुल कर लें आप। और मेरा ये यकीन है कि जितनी अच्छी टैपिंग और ब्लेंडिंग आप सो फार से मेरी चीज नोट की, यानी कि आप बहुत, आप दोनों बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं कॉलर ऑनर के साथ, क्योंकि ऑनर थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है, वो फर्स्ट टाइम इस तरह कैमरे के सामने आई है। ऐसा होता है और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है बहुत अच्छी तरह, क्योंकि हम वो अपना पहला वाला टाइम नहीं भूलते जब हमने स्टार्ट किया था, तो किस तरीके से हमारे साथ होता था, चेहरे की रंगत ही उड़ जाती है। और ये बिल्कुल ही इनका फर्स्ट टाइम है, और वो भी मेकअप करके दिखाना, तो थोड़ा सा इस चीज़ को सब समझ लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
अच्छा जी, बेंसी कौन सी कंपनी की है? ये ओरिफ्लेम ब्रांड से इन्होंने लिपस्टिक लगा दी है इस वक्त, और मेकअप भी पूरा का पूरा हमारा उसी से ही चल रहा है। ये दो वन की हमारी जो न्यू लिपस्टिक है वो यूज़ की गई है, ठीक है। और इसका शेड है अप टाउन रोज है, ये 35173, और वेलवेट रोज से इसकी दो वन की जो हमारी लिप मोज है उससे इसकी आउटलाइन चल रही है, फिनिशिंग चल रही है। और ब्रश भी ओरिफ्लेम का ही है, लिप ब्रश। सब लोग जब से बोले जा रहे हमारी मॉडल बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। मॉडल को बताएंगे उनको कैसा लग रहा है मम्मा का मेकअप। यहाँ पे देख के बताओ। हाँ जी, हेयर स्टाइल आप दे दीजिए, हम लोग अपना ओवरऑल व्यू देंगे, ठीक है जी। ये इधर हम लोग अपनी तरफ कर लेंगे, आप अपना हेयर स्टाइल देते रहिए। जरा आज हम ओवरऑल व्यू में ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। ओके जी, नहीं जी मॉडल डरी हुई नहीं है, मॉडल बहुत छोटी सी बच्ची है। जरा ओवरऑल लुक वो दे रही, बता रही है मेकअप का पूरा क्या क्या यूज़। अच्छा जी, आज मॉडल को क्या क्या अप्लाई किया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप आराम से, अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आप खुद भी ओरिफ्लेम मेकअप को यूज़ कर सकें, तो वो इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। सबसे पहले तो यूज़ किया गया है, आप मुझे पास कर देंगे तो मैं जल्दी बता दूंगी। सबसे पहले यूज़ किया गया है कंसीलर D1 का कंसीलर न्यू पिंक, उसके बाद यूज़ किया गया है हमारे पास GG का फाउंडेशन पोर्सलिन, उसके बाद इन्होंने अप्लाई की थी CC क्रीम, और इसके बाद इन्होंने अप्लाई किया था कॉम्पैक्ट पाउडर लाइट कलर का, ठीक है, कलर बॉक्स का कॉम्पैक्ट पाउडर, कलर बॉक्स का कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई किया, और इसके बाद इन्होंने इसको कहा कि ये प्राइमरी बेस है, अभी सिर्फ जो है मैंने बेस हाफ डन की है, आई मेकअप के बाद मैं करूँगी। ये भी एक अच्छी चीज़ थी, ताकि जब वो लास्ट में मेकअप का लुक दें, फिनिश करें, तो आई मेकअप से जो आई शेड्स अगर फेस पे गिर गए तो वो जो है वो बहुत अच्छे से नीट कर सकें, और वापस से उनकी बेस जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो सके, साफ़ सुथरी लगे, फेस जो है वो अच्छा दिखे। उसके बाद उन्होंने आई शेड इस्तेमाल करना शुरू किए, तो सबसे पहले उन्होंने इस D1 की आई शेड फाइनल फिक्स से जो है वो गोल्डन शेड लिया, और इससे बेस बनाया आई के ऊपर, पूरी आई पे इन्होंने बेस बनाया। उसके बाद इन्होंने अप्लाई किया है हमारे पास ब्लैक शेड, और कॉर्नर जो है वो हमारे आई कॉर्नर इस ब्लैक शेड से बनाए हैं, और इसके साथ साथ अप्लाई किया है इन्होंने पिंक शेड हमारा सॉकेट लाइन में जो हमारी क्रीज बनती है वहाँ पे उन्होंने पिंक शेड अप्लाई किया है। उसके बाद उन्होंने अगेन इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद अगेन हमारा गोल्डन शेड जो है D1 की किट से इन्होंने ये गोल्डन शेड लेके वापस से आई बॉल के ऊपर टैप किया है, जिसके बाद अच्छा सा गोल्डन ब्लैक एंड पिंक का कॉम्बिनेशन आँखों पर बना, और आँखों का जो आई मेकअप है बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा लुक हमारे सामने। इसके बाद इन्होंने जो आँखों का जो हमारा इनर कॉर्नर होता है
यहाँ पर भी इन्होंने गोल्डन का शेड ही अप्लाई किया है और इसके साथ साथ इन्होंने हमारी आंखों का जो हाइलाइटर एरिया है यहाँ पर भी गोल्डन अप्लाई किया है। इनके पूरा काम इन्होंने गोल्डन, ब्लैक एंड पिंक को इस्तेमाल करते हुए किया है। इसके अलावा कोई और शेड इन्होंने उसमें नहीं ऐड किया। अच्छा आई मेकअप है, सॉफ्ट है, बहुत ही कैलकुलेटेड है, अपनी जगह पर रुका हुआ। इसके बाद इन्होंने आईलाइनर अप्लाई, आईलैशेस लगाई हैं और आईलाइनर अप्लाई किया। आईलाइनर के लिए उन्होंने D1 का हमारा मार्कर लाइनर भी लिया है, अप्लाई किया है। उसके अलावा हमारे पास जो हमारी D1 की कोल पेंसिल है उसको भी इस्तेमाल करके इन्होंने बहुत अच्छे से आंखों के ऊपर लाइनर अप्लाई किया है। और इसके एक और बहुत अच्छी चीज़ ये कि जो हमारे पास डुअल पेंसिल है उस D1 की, इसका जो ग्रीन शेड है वो भी उन्होंने आंखों के नीचे किया, क्योंकि उनके ड्रेस में कहीं गोल्डन के साथ थोड़ा सा डार्क ग्रीन का शेड मौजूद है। अच्छा आई मेकअप था, सॉफ्ट आई मेकअप था, अच्छी सिंपल टेक्निक के साथ उन्होंने किया और मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा टाइम लिया। थोड़ा सा कंफ्यूज थी, घबराई हुई थी, किसी पास टाइम इस तरह कैमरे के सामने आ रही है तो होता है इस तरीके से कि घबरा जाते हैं अच्छे अच्छे लोग भी, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोग उनको देख रहे हैं और वॉच कर रहे हैं कि वो कैसा काम कर रही है। तो यहाँ अगर हमारे पास सामने ही चार लोग खड़े हो जाएं और मेकअप कर रहे हो तो हम कन्फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो तो फिर यहाँ इतने सारे लोगों का सामना कर रही है। जहाँ बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं वहाँ कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी खैर है, हमें वो चीज़ देखनी है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और फिर दूसरी बात वही वाली चीज़ है कि आप अपनी राय ज़रूर दीजिए मेकअप के हवाले से कि मेकअप कैसा है, मेकअप अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, उसमें क्या कमी है, क्या ज्यादती है, कौन सी चीज़ ऐड कर लेनी चाहिए थी, कौन सी चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए थी, ये वाले कमेंट करना स्टार्ट करें, बजाय इसके कि वो ऐसे कमेंट जिससे सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है या टाइम पास वाला कुछ फीलिंग आ रही है, वो वाले कमेंट ना करें। आपको मेकअप अच्छा नहीं लग रहा आप बोल सकते हो कि अगर इसमें ये चीज़ ऐड हो जाती तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, ये वाला काम नहीं करना चाहिए। जैसे कि कल की जो हमारी ब्राइड थी परसों की, उसके अंदर आईब्रोज थोड़ी सी अप एंड डाउन थी, तो सब लोग बता रहे थे आईब्रोज सही करो, आईब्रोज सही करो, बहुत अच्छा लग रहा था कि सब लोग हेल्प कर रहे हैं कि हाँ जी मेकअप जो है वो बहुत अच्छा हो सके ताकि वो मिरर में दिखें और कहाँ से चीज़ कम है या ज़्यादा है उनको भी पता चले। इस तरह के कमेंट ज़रूर करें, अपनी अपनी राय का इजहार करें, राय का इजहार करना बिल्कुल भी मना नहीं है, लेकिन मेकअप के हवाले से करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसको जितना ज़्यादा आप हमारे पेज को लाइक एंड शेयर करेंगे, इन वीडियोज़ को भी इतना ज़्यादा, इन तमाम मेकअप आर्टिस्ट की हौसला अफजाई होगी। वो तमाम मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अपने अपने घरों में, अपने अपने एरिया के सलोन में वर्क कर रही हैं, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इस हमारी छोटी सी कागज में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकती हैं, लोग इनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और इनका काम हाईलाइट हो सकता है। और अगर हमारे ज़रिए से किसी का काम हाईलाइट हो सके या हम किसी के थोड़ा भी काम आ सके तो उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस जिसको मेकअप पसंद आया है वो लाइक ज़रूर करें ताकि कॉम्पिटिशन में इनका भी पार्ट उसी तरह से रहे जैसे कि बाकी तमाम ब्यूटिशियन का रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इन्होंने मस्कारा यूज़ किया था हमारे पास, अगेन D1 का मस्कारा, सारी ब्राइडल सारी मेकअप आर्टिस्ट यही मस्कारा यूज़ कर रहे हैं और मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मस्कारे के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वाकई मस्कारा और इसके अलावा तमाम ओरिफ्लेम प्रोडक्ट जो है वो बहुत औसम है, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और जो बहुत अच्छे तरीके से स्किन के ऊपर बैठ जाती है, अच्छा लुक देती है। उसको लिपस्टिक जो है वो इस्तेमाल की गई है हमारे पास D1 की, दो शेड है हमारे पास, हमारे पास D1 की ही लिपस्टिक जो न्यू आई है अल्टीमेट मैट लिपस्टिक, पिंक शेड इसका यूज़ हुआ है और इसके साथ साथ हमारे पास D1 का ही जो मूव्स है इसका रेड शेड यूज़ हुआ है। ये दोनों शेड यूज़ करके इन्होंने लिप को कलर दिया है और कंट्रोलिंग के लिए इन्होंने हमारे पास कंट्रोलिंग कलर जो है वेलिनी का ये इस्तेमाल किया है, इसके साथ थोड़ा सा ब्राउन शेड यूज़ किया है साथ में,
ब्राउन शेड कहाँ है हमारा? सुनने की वहाँ पर ये जो हमारा ब्राउन शेड है इसके अंदर ये लाइट शेड मिक्स करके इन्होंने कंट्रोलिंग की है, जो कि सामने से बहुत अच्छी लग रही है और अच्छा लुक आ रहा है। तो ये सारी वो प्रोडक्ट थी जो आज के मेकअप में इस्तेमाल हुई है और इंशाल्लाह ताला हम बहुत करते हैं। आपने माशाल्लाह ओवरव्यू दिया है हमेशा। मैं गौर से आज बहुत वाकई मैं देख रही थी लेकिन फिर भी मैं बच्चों में ज़्यादा लगी हूँ किरण के क्या लग रहा है पिकनिक मना रहे हैं। तो वाकई ये वो बच्चे जिनके साथ मैं पिकनिक मना रही हूँ इतनी देर से और ये भी कोई इतना ज़्यादा अटैच हो गया ना कि उनको लग रहा है कि जो मैम जहरा है ना वो हमसे बात करना शुरू हो गया है। हम जहाँ भी और फिल्म की सबसे अच्छी बात ये है कि हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं, मिलके काम करते हैं, इन्जॉय करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बस मैं चल रहा होता है यहाँ पे, ये सबसे अच्छी चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो हम कभी यूँ होते हैं और यूँ होते हैं क्योंकि हम इस वक्त डायरेक्ट दो पेजेस से लाइव जा रहे हैं जिसमें राफेल रिजवान का पेज है, राफेल रिजवान ब्यूटी एंड बिजनेस कंसल्टेंट के नाम से, और एक जहरा का पेज है जहरा ब्यूटी ओरिफ्लेम ब्यूटी क्लिनिक के नाम से। ये दोनों पेज पर हम इस वक्त लाइव हैं, इसके अलावा बहुत सारे पेजेस पर तकरीबन अभी तक 20 से ज़्यादा पेजेस पर ये शेयर हो चुका है। और इसके अलावा जैसे कि हमेशा होता है कि जब तक दो दिन गुजरते हैं वो माशाल्लाह पेजेस जो है 70 और 80 तक शेयर हो चुका होता है और देखने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा होता है। तो आज भी आप ऐसा ही कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि आप अपना हिस्सा डाल सकें इसके अंदर। और मेरी टीम का हिस्सा बनने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर है 0335021920। और इनकी टीम का हिस्सा बनने के लिए यानी कि हमारी टीम का, क्योंकि ये भी मेरी डाउनलाइन डायरेक्टर ही है और बहुत अच्छी सपोर्ट रहती है माशाल्लाह से जहरा से, हमारी अपलाइन तमाम लीडर, हमारी डाउनलाइन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे साथ साथ रहती है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं हमारे साथ। और बिल्कुल इसी तरह ये बाउंडिंग हमेशा जुड़ी रहे और आगे से आगे ये सिलसिला चलता रहे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की किसी भी किस्म की, जो भी आपको स्किन की हेयर की प्रॉब्लम हो आप उसके बारे में भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ मेकअप ही नहीं है और ओरिफ्लेम में स्किन और हेयर की बहुत ज़बरदस्त रेंज है जिसको हम इस कॉम्पिटिशन के बाद लाने वाले हैं और ब्यूटिशन जो हम लोग करवाने वाले हैं को क्लोज ग्रुप के अंदर ब्यूटिशन ग्रुप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, उसमें सीखिए कि कैसे हम कर सकते हैं ये काम। ठीक है जी, मेरी टीम को ज्वाइन करने के लिए, हमारी टीम को ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। मेरा नाम है राफिया रिजवान, आई एम डायरेक्टर एट ओरिफ्लेम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321206765। बिल्कुल, अभी बस ब्राइडल का जो कंप्लीट लुक है वो हम आपको बस थोड़ी देर में दिखाते हैं, उसकी हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो जाए। और हम लोग हमेशा यही कर रहे होते हैं कि हम लोग थोड़ा सा मेकअप आर्टिस्ट को ईजी मूड दे देते हैं कि वो ईजीली हेयर स्टाइलिंग कर ले क्योंकि वो काफ़ी टफ टाइम गुजार चुकी है उनके मेकअप करते हुए। एक्चुअली सारा अभी तक हम जितने भी सैलून्स में थे उनके साथ, उनकी को उनके साथ होती थी, साथ उनके करने वाली, उनको सपोर्ट करने वाली करने के लिए, पर आज ये बिल्कुल स्ट्रांग होते थे। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, आज ये अकेली है क्योंकि ये अपने घर में पर्सनल अपना सलून चलाती हैं और बहुत अच्छा सलून है ये। जब हम ओवरऑल लुक दिखा रहे होंगे ब्राइड का तो हम इनके सलून से ज़रूर आपको करवाएंगे, तारुफ करवाएंगे, सलून दिखाएंगे तो आप देख सकेंगे कि ये कितना अच्छा इन्होंने सेटअप, बहुत खुला खुला सा इन्होंने अपना सलून बनाया हुआ है और यहाँ पर ये फेशियल दे रही होती है, तमाम ट्रीटमेंट्स ओरिफ्लेम के थ्रू भी दे रही होती हैं और मेकअप भी दे रही होती है। बिल्कुल, रमज़ान में बहुत अच्छे पैकेजेस हैं इनके पास भी, जो लोग यहाँ नियरेस्ट रहते हैं इस एरिया के वो लोग ज़रूर इन पैकेजेस से फ़ायदा उठा सकते हैं और रमज़ान ऑफर्स यहाँ से आके अवेल कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, थोड़ी सी बातें इस हवाले से भी हो जाएं कि मेकअप करने से पहले या मेकअप करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। मेकअप करने से पहले तो किरण ने क्वेश्चन भी किया था कि हमें क्लिंस करना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल हमें क्लिंस करना चाहिए, स्किन से डेड स्किन को रिमूव करना चाहिए, एक्सफोलिएट करना चाहिए, स्किन को टोन अप करना चाहिए, टोनर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो भी श्रिंक रहे, अनइवन स्किन ना रहे, हमारी स्किन टोन एक ही जैसी रहे, ताकि जब हम मेकअप अप्लाई करें तो हमें बहुत ज़्यादा कैमोफ्लेज या कंसीलर की नीड ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैची स्किन होती है तो भी उसको इवन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेकअप के दौरान। इसके बाद जब हम मेकअप
कर ले तो अब उसके बाद हमें मेकअप रिमूव करके रात में ज़रूर 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 सोना चाहिए ताकि फिर स्किन हमारी सांस ले सके और जितनी देर भी हमारी स्किन के ऊपर मेकअप रहता है इतनी देर ही हमारी स्किन में मौजूद इम्प्योरिटीज़ भी उसके साथ साथ मिक्स हो रही थी, धूल मिट्टी डस्ट ये सारी चीज़ें भी इसके साथ साथ ऐड हो रही होती हैं। तो वॉश करके ज़रूर सोए, रात में आदत बनाए कि आप अपनी स्किन को क्लिंस करके सोना शुरू हो जाए और इसके लिए हमारे ऑरिफ्लेम की क्लिंजर बहुत बेस्ट है। ये हमारी स्किन को डीप क्लिंस कर रहे होते हैं और हमारी स्किन की थर्ड लेयर से तमाम इम्प्योरिटीज को निकाल कर उसको नीट एंड क्लीन कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा सिबम को ही सिर्फ रिमूव कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो हमारा गुड सिबम है उसको भी साथ में ख़त्म कर दें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो क्लेंस करना ना भूलिए कभी भी। टोनिंग ज़रूर कीजिए, टोनर ज़रूर लगाएं ताकि आपके जो ओपन पोर्स वाला मसला है जो इस वेदर में बहुत ज़्यादा होता है सबके साथ वो ख़त्म हो सके और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र आए, अच्छी नज़र आए। स्किन का गोरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा गोरे हो तो ही खूबसूरत नज़र आओगे, आपने बहुत ज़्यादा फेयर रंग की बेस लगाई है तो ही आप अच्छे लगोगे। स्किन का इवन होना, स्किन का नीट एंड क्लीन होना, स्किन का ग्लोइंग होना, हेल्दी होना और यंगर दिखना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हम अपनी एज से हमारी स्किन जो है वो यंगर दिख रही होती है तो मेरा बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। और यंगर जब भी देख सकती है जब हम उसका ख्याल रखेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, वो भी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कि हमारे लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। उसको इस्तेमाल करते हुए हमारी स्किन को नुकसान नहीं पहुंच रहा होता बल्कि फ़ायदे ही पहुंच रहे होते। जितना ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। तो ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें, ट्रस्ट करना स्टार्ट करें, आज से शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल भर बाद आप कहेंगे कि वाकई मैंने आज से पहले जब इस ब्रांड का इंतखाब किया था तो वो मेरा एक बहुत अच्छा फैसला था और मैं उस फैसले पे खुश हूँ और सबको रिकमेंड करना भी शुरू होंगे। और जब यही काम आप करना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्लोज ग्रुप पर गया थी बट ट्रेनिंग निकला नहीं था कि राफे ने बोला कि जरा भूलना जाए तो मैं बता दूं। तो ये तमाम ट्रेनिंग की आप किस तरीके से अपनी ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं, किस तरीके से सेल्फ ग्रूमिंग सीख सकते हैं, किस तरीके से प्रोफेशनल ग्रूमिंग सीख सकते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ऑरिफ्लेम बिजनेस में हमारे काम आती है, वो कौन सी वेरिएबल, ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑरिफ्लेम क्लोज ग्रुप में। और इस क्लोज ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको हमारी टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा और हमारे ज्वाइनिंग रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर हमारे पेजेस पर शो हो रहे होंगे। आप खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ शो होते रहते हैं और हम बार बार बताते भी रहते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0335021 9280 एंड राफिया रिजवान आ जाए तो फिर वो भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताती हैं क्योंकि हमें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट नंबर याद नहीं रहते। उस क्लोज ग्रुप में आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और इंशाल्लाह ताला हम भी उसमें लाइवाया करेंगे और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी जो ना सिर्फ आपको खूबसूरत बनाने में हेल्प करेगी बल्कि आपको एक प्रोफेशनल बिजनेस वूमेन बनाने में भी हेल्प करेगी। जैसे कि हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह ऑरिफ्लेम में 4 साल का अर्सा गुजारने के बाद बहुत अच्छे से प्रोफेशनली एंड पर्सनली ग्रूम हो सके हैं, इतना ग्रूम हो सके हैं कि आज इतने सारे लोगों के सामने हम बात करने के काबिल हुए, वरना तो हमारा समिया से भी ज़्यादा बुरा हाल होता था। राफिया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए प्लीज़। आपसे ओके जी, मेरी टीम का हिस्सा बनने के लिए, मुझे ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कंसल्टेंट नंबर, मेरा ठीक है जी। तो मुझे ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0321206765। बिल्कुल, बस ब्राइडल का इंतज़ार है, ब्राइडल आ जाए जब तक मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ। समिया की जो है वो 3rd नंबर की बेटी है माशाल्लाह से, क्या नाम है आपका? बीहा। और फातिमा का है? फातिमा जल्दी से आप। और ये सैकड़े आप आए, आपका नाम क्या है? इफ्रा खान। और ये है हमारी छोटी सी नई दोस्त, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा ने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाया, बहुत मज़े की बातें थी और
समिया माशाल्लाह से इन चार बच्चों के साथ जो मॉडल है वो भी उनकी बेटी है, बहुत अच्छे से अपने घर को मैनेज कर रही हैं और इवन बिजनेस में भी है माशाल्लाह 9% एजर है और सैलून भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से बहुत टाइमिंग के साथ रन कर रही होती हैं और इस तमाम कामों में इनके बच्चे और इनके हस्बैंड इनको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे होते हैं। अगर औरत चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है, वरना बहुत सारी खवातीन के कामों से ही नहीं निकल पाती, लेकिन वो जैसे ही कोशिश करती हैं टाइम मैनेज करती हैं उनसे मैनेज हो जाता है। और ब्राइडल जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है हेयर स्टाइल के बाद, फ़ौरन से मासूम सी छोटी सी मुन्नी सी ब्राइडल और अब मुस्करा रही हैं। तो वो तमाम लोग जो कहते थे अल्लाह ब्राइडल को पानी पिला दो, ब्राइड बहुत सीरियस है, ब्राइड बहुत डरी हुई है, ब्राइड को मेकअप पसंद नहीं आ रहा, तो अब वो सब ब्राइड की जो है वो स्माइल देखेंगे और देखेंगे कि वो माशाल्लाह से बहुत 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 प्यारी लग रही है। उसकी एज को देखते हुए बहुत अच्छा समिया ने मेकअप किया है और उसको बहुत अच्छे तरीके से वो वेयर भी कर रही है, ये भी बात होती है, वरना बहुत सारे लोग बहुत कुछ पहन लेते हैं लगा लेते हैं लेकिन उसको वेयर करना नहीं आता, उनको उसको कैरी करना नहीं आ रहा होता कि वो उसको कैरी कैसे करें, उसको कैसे लेके चले, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा जी हम अभी वो हील पहनेंगी और छोटी बहन है जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि कब हमारी जो बाजी है, बाजी कहती है आपकी कहती है बच्चों कहती है आपी, हमारी जो आपी है वो कब रेडी होंगी और मम्मा हमें उनके पास जाने देंगे, क्योंकि मम्मा ने अभी सख्ती की है कि बच्चों बिल्कुल भी आपने पास नहीं आना। हमारी इस तमाम काविशों में हमारा साथ दीजिए, हमारी पेजेस को लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि आप भी अपना हिस्सा डाल सकें, हम बार बार ये बात कह रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो वो लोग जो खुद इस बिज़नेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते लेकिन उनके इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो अपने कम टाइम को यूज़ करते हुए अपने घर में रहते हुए और उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो डरती हैं कि वो कुछ कैसे करेंगी, उनके पास कोई सरमाया नहीं है और वो डरती हैं कि वो कैसे स्टार्ट करेंगी, उनको यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, उनको उनसे हमारा तारुफ करवा सकते हैं, हमारा तारुफ उनसे करवा सकते हैं, उनको हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं ताकि आप उनके लिए कोई ना कोई एक ऐसा काम कर लें जो उनके लिए वो आपको हमेशा दुआएं हैं। और बाकी हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और एक हमारी छोटी सी जो कहते हैं ना छोटा सा पुश करना जो है वो उनको कहाँ से कहाँ ले जाता है। भाई जल्दी कर लो, लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी कर लें। हाँ बोर हो गए। मैंने जो लिपस्टिक का शेड लगाया है आज वो मैंने लगाया है क्रियाउंस का ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का आ गया यार, ऑरेंज का गया क्रियाउंस, ऑरेंज और पिंक, ये मैंने दो मिक्स करके लगाए हैं, ये वाला ऑरेंज का शेड है पीची ऑरेंज ये लगाया और इसके बाद मैंने लगाया है कहाँ गया वो पिंक मेरा फेवरेट जो मैं ज़रूर मिक्स कर रही हूँ, नंबर बता आप डाउनलोड मैंने पहले बता डाउनलोड ये दोनों शेड को मिक्स करके मैंने लगाया है शेड और ये शेड बना उसके बाद कि मुझे थोड़ा येलो के साथ थोड़ा ऑरेंज और पीची सा लुक देना था, पिंक नहीं देना था, तो फिर ये वाला शेड आ गया इसका और ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैंने आज पसंद किया। आपने कौन सा लगाया है? मैं बताती हूँ, मैंने लगाए हैं मेरे ये दो मज़ेदार वाले शेड्स मिला के, और सबसे पहले मैंने रेड वेलवेट से दो वन की है हमारी है रेड वेलवेट दिखना चाहिए ठीक है, उसके बाद ये हमारा लिप सेंसेशन सेटिन रोज है ये हमारी दवन इस वक्त डिस्काउंट पर है। मैं जो बहुत अच्छे लोगों के नाम भी भूल जाती हूँ और लिपस्टिक्स के नाम भी भूल जाती हूँ, मुझे बीमारी है, मैं अपनी तरफ से नाम रख देती हूँ, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों के नाम रखे हैं मैंने, वो बेचारे आज तक उसी नामों से पहचान लिया। ज़रा मोबाइल निकालना है आप भी। इरमा आपको अच्छा सा फेस वॉश चाहिए, फेस वॉश आप अपनी स्किन टाइप और एज ग्रुप बताकर रिकमेंड करवा सकती मैसेज में आप और मुझे इनबॉक्स कर दीजिए मैसेज, तो फिर मैं आपको बता दूंगी लाइव सेशन के बाद। मोबाइल निकालो ऊपर करके साइड से मत दबा दीजिएगा, जी जी हाँ हाँ बस सब कुछ बंद कर,
ओके जी, नाउ राइट रेडी है और हम उसका ओवरऑल लुक दिखाने जा रहे हैं। ये रही हमारी ब्राइड, आंखें बंद कर लो थोड़ा सा इस तरह। क्या हुआ, मैं आ गई आगे, सॉरी। खैर मैंने अभी तक फेस नहीं दिखाया, बहुत खूबसूरत ड्रेस है, बहुत अच्छा। अब आप देख सकते हैं, हाँ नीचे ही देखो, नीचे ही देखो, ये देखिए जी हमारी इनोसेंट सी ब्राइड। इनका नाम है अलिशबा, इनका नाम है अलिशबा, बहनें भी बता रही हैं। अलिशबा नीचे देखो, कटिंग डालना पीछे से, हाँ डाल दो पूरा। ये देख सकते हैं आप ओवरऑल लुक, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट और सिंपल। रबिया भी देख रही है समिया। अच्छा ये कमेंट डाल दिया था, हाँ बस ब्रिंग। ओके जी, थोड़ा सा एक दफ़ा घूम कर दिखाएंगे हमें हमारी ब्राइड। ओके जी, इतनी क्यूट सी स्माइल है। जी बिल्कुल, बहुत प्यारी है, मॉडल ड्रेस भी बहुत प्यारा है। समय लाइफ में दिखाएं बिल्कुल, हम लोग अभी पिक्चर्स लेंगे तो आपकी सभी पिक्चर्स वगैरह भी शो कर देंगे, तो और ज़्यादा अच्छे से आपके पास मेकअप जो है वो नज़र आ जाएगा आपको। थैंक यू सो मच माही मीर, ये हन्ना है। अच्छा हन्ना, माय प्रीटी लीडर्स। अब नीचे देखो, नीचे देखो, हाँ नीचे, ना ना छोड़ दो छोड़ दो, आगे जो जी बिल्कुल, छोटी सी प्यारी सी ब्राइड। अब बहुत अच्छी सी हम इनकी पिक्चर्स आप लोगों को से बहुत जल्द शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इनकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोनों मोबाइल में अगर मेरी आवाज़ आ रही हो तो, लाइट बहुत गर्म है और अब मैं इसको छोड़ने वाली हूँ। और जितनी एज है सहरा उस हिसाब से बहुत अच्छा बेस और बहुत कैलकुलेटेड आई मेकअप। थैंक यू सो मच इरम, ब्यूटीफुल मेकअप कह रही है। थैंक यू साजदा, इस वक्त ब्राइड का बता। वाह भाई वाह, बहनों की जो है वो हो रही है। चलिए आगे, हम आपको अब बात करवाते हैं हमारी मेकअप आर्टिस्ट से, जो जब से मसरूफ थी और कुछ शायद कंफ्यूज भी थी। हाँ इनके साथ खड़े हो जाए, चले आ जाए, क्लैप करो सब मम्मा के लिए, इतना जबरदस्त किया है। वाह, अस्सलाम वालेकुम सामिया, कैसी हैं आप? कैसा लगा और इतने मेकअप को आपने पहले यूज किया है? इतने मेकअप इस तरह ब्राइडल मेकअप में? नहीं ऐसे ब्राइडल तो नहीं, मगर मैंने अपने ऊपर बेस का भी यूज कर लिया करती थी, मगर इतना मजा नहीं आता था, इतना मजा अब आया यूज करके, बहुत अच्छा लगा इसको, हर चीज बहुत अच्छी है इसकी, आई शैडो ब्लश ऑन हर चीज परफेक्ट है। कोई चीज ऐसी लगी कि जो आपको थोड़ी मुश्किल आई हो बीच में कि वो अब मैं क्या करूं? कुछ भी ऐसा नहीं लगा, इसका फेस पाउडर हर चीज माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, मतलब जो आप चाहती थी रिजल्ट वो रिजल्ट आपको मिले। जी जी बिल्कुल, वाओ जबरदस्त, क्लैप होना चाहिए। थैंक यू सो मच सामिया कि आपने इस कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनी और यहाँ पर लाइव मेकअप करके दिखाया, ये एक बहुत
बड़ी हिम्मत की बात होती है, आपको अंदाजा नहीं है कि अच्छे अच्छे जो होते हैं ना वो भी लाइव आकर उनके हाथ कांपने लग जाते हैं, आ जाए तो उनके हाथ कांपने लगते हैं, वो करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह ने माशाल्लाह माशाल्लाह से आपने लाइव आकर बहुत अच्छा काम किया, और वो भी ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ जो आपने पहले यूज़ नहीं की थी या आपका उसको कुछ आइडिया नहीं था, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला आपके काम में और बरकत दे, आपको ताकत अता फरमाया। ओके जी, एक दफ़ा हम और इनके सलून की लोकेशन और इनका सलून का नाम समिया से कहलवा लेते हैं। सलून का नाम और उसकी लोकेशन, ब्यूटी पार्लर ब्लॉक टेरिक गुलशन इकबाल ईस्ट टेरिस, और मोबाइल नंबर है 0333-441-5881। चले जी, थैंक यू सो मच समिया। इसके साथ ही इस समिया कुछ और भी कह रही मजे की बात सुन ले। मैंने कहा आप लोग गाइस बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे हैं आप लोग, कोऑपरेट करते हैं, हां से भी आपके भाभी और दोनों बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, जरा तारीफ हो अपनी ना, मजा आता है बनना बनती थी भाई। थैंक यू सो मच, अब इस खूबसूरत सीनो सेंसी ब्राइट के साथ हम आपसे खुदा ओके जी करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद। नेक्स्ट ब्राइट के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लोग आने वाले हैं और उसकी अनाउंसमेंट शायद आज रात कर देंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल जी, ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिनिश।